हेलो गाइस, वेलकम टू एससी गेट पीएसयू शॉर्ट लेक्चर प्रेजेंटेड बाय अभी विद्या मैन एजुकेशन। हमने एक जनरल एप्टीट्यूड का सीरीज स्टार्ट किया था जिसमें हम लोग क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, और वो जो क्वेश्चन मैं लेता हूँ वो गेट के एग्जाम में आया होता है या फिर इंजीनियरिंग सर्विस में आ चुका होता है या फिर किसी पब्लिक सेक्टर में आया होता है। ठीक है, तो एक नया क्वेश्चन देखेंगे, नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे आज। तो आज का जो क्वेश्चन हमने लिया ये टॉपिक है फंक्शन, और ये गेट 2011 में आया हुआ है और ये 2 मार्क्स में आया था। ठीक है, यहाँ पे कोई ब्रांच का नाम इसलिए नहीं लिखा है कि 2012 और 2012 से पहले जो होता था सबके एप्टीट्यूड के क्वेश्चन कॉमन होते थे, मैथ के क्वेश्चन कॉमन होते थे, क्योंकि उस समय तक ऑफलाइन पेपर होता था और सबका एक ही टाइम पे होता था। ठीक है, तो यानी ये सारे ब्रांच में आए थे, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, सब ब्रांच में आए थे ये। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया हुआ है। गिवन दैट एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ वाई डिवाइडेड बाई वाई एंड क्यू इज ए नॉन जीरो रियल नंबर, द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ क्यू माइनस एफ ऑफ माइनस क्यू का मॉड इज, ऑप्शन ए दिया है 0, बी ऑप्शन दिया है 1, ऑप्शन सी दिया है 1, ऑप्शन डी दिया है 2। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। लिखा है क्यू इज नॉन जीरो रियल नंबर। ठीक है, नॉन जीरो मतलब क्यू की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है, मतलब रियल नंबर है, मतलब निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जीरो नहीं हो सकता, बस इतना पता चल गया। अब मॉड के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, तो मॉड आई थिंक माइट मॉड के बारे में सबको पता होगा। मॉड का मतलब ये होता है कि निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देगा और पॉजिटिव को पॉजिटिव रहने देगा। जैसे मैं बोलूँ कि माइनस फाइव मॉड है, माइनस फाइव मॉड का मतलब होता है फाइव। अगर मॉड फाइव है इसका मतलब भी क्या होगा, फाइव। मॉड लगाने से नंबर क्या होता है, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। अगर निगेटिव नंबर है तो पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव नंबर रहेगा तो पॉजिटिव नंबर ही रहेगा। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ माइनस 110 है मॉड वैल्यू लगाए तो इसको लिखेंगे 110, और 110 का भी मॉड वैल्यू क्या आएगा, 110 ही आएगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे कोई भी नंबर है अगर निगेटिव है मॉड लेने का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव हो जाना। अब क्या पूछा गया, एफ ऑफ वाई दिया हुआ है, एफ ऑफ क्यू निकालेंगे। तो कितने लोग बोलेंगे कि सबसे पहले हमको एफ ऑफ क्यू निकालना पड़ेगा, फिर एफ ऑफ माइनस क्यू निकालना पड़ेगा, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम एफ ऑफ क्यू सबसे पहले निकालते हैं। एफ ऑफ क्यू, एफ ऑफ क्यू का मतलब वाई के प्लेस पे क्या रखना है, क्यू। तो यहाँ पे वाई की जगह पे क्यू रखेंगे, तो मॉड ऑफ क्यू डिवाइडेड बाई क्यू, और मॉड ऑफ क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये नंबर क्या है, क्यू। ठीक है, और ये हो जाएगा क्यू और ये आ जाएगा 1। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें एफ ऑफ माइनस क्यू, तो एफ ऑफ माइनस क्यू क्या होगा, एफ ऑफ माइनस क्यू का मतलब माइनस क्यू की मॉड वैल्यू डिवाइडेड बाई माइनस क्यू। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस मॉड ऑफ क्यू की वैल्यू कितनी होती है, क्यू, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस क्यू, तो ये आ जाएगा माइनस 1। ठीक है, गलती यहाँ पर ये होता है कि लोग इसको माइनस क्यू को जल्दी जल्दी में माइनस क्यू मॉड वैल्यू को माइनस क्यू लेते हैं और 1 मान लेते हैं, और 1 1 1 यहाँ पर आ जाएगा, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ध्यान से देखेंगे जब भी मॉड के क्वेश्चन आते हैं, मॉड के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आते हैं, मैथमेटिक्स में भी, इंजीनियरिंग मैथ में भी बेस्ट होता है और हमारे एप्टीट्यूड में भी बेस्ट होता है। तो ठीक है, ध्यान रखेंगे मॉड को अच्छे से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो माइनस मॉड ऑफ क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू माइनस क्यू, तो ये माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको निकालना है मॉड ऑफ एफ ऑफ क्यू माइनस एफ ऑफ माइनस क्यू। इसका मतलब ये हो गया कि मॉड लगाना है, एफ ऑफ क्यू की वैल्यू कितनी है, 1, और इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस 1, और ये मॉड, तो ये हो गया 1 + 1 मॉड, और ये हो जाएगा 2 मॉड। तो ऑलरेडी 2 का एक पॉजिटिव नंबर है तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 2, और ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, डी। ठीक है, तो ये जो हमने अभी फंक्शन से स्टार्ट किया, आगे के नेक्स्ट 10 to 12 क्वेश्चन जो है फंक्शन पे आ चुके हैं। फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आगे के जितने भी क्वेश्चन होंगे 10 to 12 सारे फंक्शन पे बेस्ड होंगे। ठीक है, मैं एक कंटिन्यूसली फंक्शन के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा। फंक्शन के क्वेश्चन बहुत ही ईजी आते हैं, बस थोड़ा सा आपको आइडिया हो। देखिए ये क्वेश्चन कितना आसान है, एकदम बिल्कुल ही ईजी क्वेश्चन है ये। इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो आप इसको 100% स्कोर करेंगे। अगर आप लोग ये सीरीज अच्छी लग रही है तो आप अपने फ्रेंड्स से शेयर भी कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज से कनेक्ट हो सकते हैं, फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे और भी क्वेश्चन का डिस्कशन हो सकता है, और हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जब भी हम नेक्स्ट सॉल्यूशन आप तक अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।